व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टोरी लवर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक खतरनाक डे के साथ में। खतरनाक डे किस लिए बोला वो आप लोग अभी समझ जाएंगे। बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड वार ऑर्फन डे के बारे में। 6 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो वर्ल्ड में जो भी जहां जहां भी वॉर चल रही है उसकी वजह से जो अनाथ बच्चे हो जाते हैं उनके बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं होता है। आखिर इनका क्या किया जाए? मान लीजिए सीरिया के एक शहर पर बम गिराया गया, वहां पर क्या हुआ? बहुत सारे लोग मारे गए, कुछ बच्चे थे जिनके पेरेंट्स मारे गए, अब उन बच्चों का क्या? तो इस तरीके जो बच्चे हैं जो सफर कर रहे हैं आज की डेट में बिना किसी रीजन की वजह से, जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, वो आज की डेट में मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्शन होता है सोसाइटी का, यानी कि उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम उनमें देखने को मिलती है, कोई खाना अच्छा नहीं मिलता है, भूखमरी देखने को मिलती है, बीमारी देखने को मिलती है, और सोसाइटी की कोई अटेंशन भी उनको देखने को नहीं मिलती है, और इसके अलावा डिजीज बहुत सारी आप लोग देखने को मिलेगा। तो ये तमाम चीजें हमारी इस पृथ्वी, जिसको हम लोग बहुत प्यारी सी पृथ्वी बोलते हैं, इस पर एक ऐसा सेक्शन सोसाइटी का रहता है जिनको कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि उन पर भी ध्यान दिया जाए, उनके बारे में भी दुनिया सोचे, हाँ वो भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है, इसको इस तरीके से दुनिया देखे, यही सब दिनों को ध्यान में रखते हुए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एक अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि उनको भी हम लोग एक मेन स्ट्रीम जो हमारी है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में इनको भी हम इंक्लूड कर सकें। तो खुश नसीब है वो लोग जिनके पेरेंट्स होते हैं। सोचिए एक बार, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, आप लोगों तक कोई भी प्रॉब्लम पहुंचने से पहले आपके पेरेंट्स झेल जाते हैं, तब आप लोगों तक पहुंचती है वह, हालांकि पहुंचती नहीं है, पर लेकिन जिनके पेरेंट्स ही नहीं है, एक बार उनके बारे में सोचिए। तो ये डे है यहाँ पर वर्ल्ड वार ऑर्फन डे, जो कि 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसके बारे में हल्का सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हमेशा अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टेस्ट या फिर आप लोग इसको रिवीजन बोल सकते हैं, क्योंकि पास्ट में ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अच्छे से शांति में अटेम्प्ट कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है पहले क्वेश्चन में, यह है बंदर अब्बास, ये ओपन होता है कौन से स्टेट में? ये स्टेट का नाम आप लोगों को बताना है। काफी न्यूज में है आज की डेट में ये एरिया, सबसे ज्यादा न्यूज में आप लोग इसको बोल सकते हैं, जहां पर ये आप लोगों को खुलता हुआ नजर आएगा। तो इस स्टेट का नाम आप लोगों को बताना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको आप लोग बोलते हैं MPC, टोटल मिलाकर कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं, 3 RBI के होते हैं, सब मिलाकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करते हैं। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हमारी कंट्री में कब किया गया था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो कब इसका गठन किया गया था? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल बैंकिंग के जो ट्रांजेक्शन की हम लोग बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन से बाद में, ये कितना बढ़ गया है? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है। यानी कि मोबाइल बैंकिंग से जो ट्रांजेक्शन आज के दिन में हम कर रहे हैं, ये पहले के कंपेयर में काफी बढ़ गया है, तो आप लोगों को ये बताना है कितने गुना ये बढ़ गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर बात की जा रही है कि अभी यहां पर रिसेंटली लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया जाएगा ये हमारी कंट्री से, जो अभी जो स्पेस में इंसानों को भेजने की बात की जा रही है, तो वो कौन सा व्हीकल यहां पर लेके जाने वाला है? काफी इंपोर्टेंट है ये व्हीकल, और ये सेम व्हीकल हम लोग यूज करने वाले हैं चंद्रयान मिशन के लिए भी, और काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाहुबली भी इस व्हीकल को बोला जा रहा है आज के डेट में, तो इसका नाम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बात कर रहे हैं ग्लोबल कूलिंग प्राइस के बारे में, ये यहां पर इंस्टीट्यूट किया गया एक इंस्टीट्यूट के द्वारा, और ये इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। आप लोगों को ये बताना है कि ये जो प्राइस, ये इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, फोकस किस पे देता है ये इंस्टीट्यूट, जिस तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर किस तरीके से एनर्जी रिसोर्सेज या फिर इफिशियंटली हम लोग उनको यूज कर सकते हैं, क्या इनोवेट कर सकते हैं, ताकि हमारे प्लेनेट पर ग्लोबल वार्मिंग न बढ़े और हमारा प्लेनेट जो है वो एक साफ सुथरा और एक तरीके से इंसानों के रहने लायक प्लेनेट बने, यानी कि हमारी पृथ्वी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम आप लोगों को बताना है। क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप, एक तो क्वाड ग्रुप आप लोगों को पता है, क्वाड ग्रुप में कौन कौन होते हैं ये आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, नीचे एक कमेंट बॉक्स में ये बताइए। जो क्वाड ग्रुप में आप लोगों को 3-4 बार बता चुका हूं, 4 कंट्री कौन कौन सी है उसमें, जो कि सुनामी 2004 की जो सुनामी आई थी उस टाइम पर फॉर्म किया गया था, डिटेल में डिस्कस किया था मैंने अभी आप लोगों के सामने। एक है क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसमें आप लोगों को 4 कंट्री नजर आएंगी, अफगानिस्तान, यह है यहां पर USA, और एक है चाइना। एक कंट्री यहां पर कौन सी है जो 4 कंट्री का यह ग्रुप है? ये बेसिकली आखिर इसका काम क्या था, किस लिए लॉन्च किया गया था, अभी वो आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के। पहले आप लोग यहां पर इसको बताइए, जब आंसर बताऊंगा तब डिस्कस करेंगे। बात की जा रही है जो टेरिटरी की, अगर एक्सटेंड करना है स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बारे में, जो ये सारी चीजें मेंशन होती हैं हमारे संविधान के कौन से शेड्यूल में ये मेंशन होता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल या फिर थर्ड, फोर्थ, कौन से शेड्यूल में ये बातें टेरिटरी के जो एक्सटेंट, अगर हम लोग बात करें यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट के बारे में, तो इसका जो बात की जाती है तो कौन से उसमें यहां पर इसके बारे में प्रोविजन रखा गया है ये बताना है।
PESO, इसका नाम है यहाँ पर पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, नॉर्मली आप लोगों के सामने ऐसी ऐसी मिनिस्ट्री के नाम देंगे, आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, आप लोग ऐसा आंसर लगा के आएंगे कि जो नहीं है। रियलिटी में बोल रहा हूं, जब आप लोग आंसर देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। स्कोर अपना लिखना मत भूलिएगा, जितना भी स्कोर आप लोग रहे भले ही जीरो क्यों ना हो, ठीक है। अगर आप लोग ये इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो फिर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में जो आप लोग क्वेश्चन मिलेंगे वो आप लोगों को ऑप्शन के बेस में मिलेंगे। अगर बिना ऑप्शन के भी आप लोग अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, तो आप लोग जो ऑप्शन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे उनसे एक लेवल आगे बढ़ चुके हैं आप लोग। बिना ऑप्शन देखे भी आप लोगों को आंसर पता होगा, तो आप लोगों की लेवल जो रहेगा वो एक लेवल अप रहेगा, जो वहां पर आप लोगों के सामने कंपटीशन में लोग बैठे होंगे। तो इसलिए यहां पर अगर इनको अटेम्प्ट करना सीख गए तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो 8 में से नीचे स्कोर बताएगा कितना आता है, भले ही जीरो क्यों ना आए पर स्कोर आप लोगों को लिखना है। आंसर देख लेते हैं, बात की जा रही है यहां पर ये हारमुज कहां पर है, ये एरिया एक बार आप लोग मैप में निहार लीजिए ताकि आप लोग इसको कनेक्ट कर सकें। ये देखिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। इसको जूम करेंगे अगर थोड़ा सा हम, आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये हो गया पर्शियन गल्फ, और ये हो गया यहां पर गल्फ ऑफ ओमन। बात की जा रही है ईरान, ईरान में चाबहार पोर्ट आप लोग जानते हैं, इंडिया डेवलप कर रहे हैं, काफी न्यूज में जितना बात बोले उतना ही कम, इतना ज्यादा न्यूज में है। अब यहां पर ये वाले पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है, ये देखिए यहां पर, ठीक है, ये है यहां पर बंदर अब्बास, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। तो कौन सा यहां पर स्टेट है उसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा, तो ये हारमुज के नाम से है। ये देखिए यहां पर, अभी आप लोग यहां पर ये देखिए, ये हो गया स्टेट ऑफ हारमुज। अब आप लोग देखते हैं इसको जूम करके, ये है पर्टिकुलर लोकेशन जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग के माइंड में रहेंगी तो आप लोग इसे डिटेल में इसके बारे में समझ पाएंगे। तो यहां पर है ये पर्टिकुलर एरिया, और ईरान वाले एरिया में आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहां पर जो इसका गठन किया गया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसको MPC आप लोग बोलते हैं, सितंबर 2016 में इसका गठन किया गया था, और तब से लेकर यहां पर ये काम कर रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, और जो टारगेट है दो से छह के बीच में, यानी कि 4 ± 2, ये इसका टारगेट है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई जो होनी चाहिए वो 2 से 6 के बीच में होनी चाहिए। तो यानी कि मीड में है 4, 4 से 2 कम और 4 से 2 ज्यादा, इसी के बीच में सारी महंगाई होनी चाहिए। जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ हमारी कंट्री में, 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब से लेके अब तक का अगर आप लोग काउंट करेंगे तो लगभग डबल के करीब नियरली जो ट्रांजेक्शन है मोबाइल बैंकिंग से वो बढ़ चुका है, ये एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया था। GSLV Mark 3, ये है वो व्हीकल जो कि ले जाने वाला है स्पेस में हमारी कंट्री के सिटीजन को, और इसी के थ्रू हम लोग जो चंद्रयान मिशन है वो भी स्पेस में भेजने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बात की जा रही है यहां पर बात की जा रही है ग्लोबल कूलिंग प्राइस के बारे में। तो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, RMIB इसको बोला जाता है, ये इंस्टीट्यूट है जो कि फोकस देकर चलता है कि किस तरीके से हम लोग अपनी पृथ्वी को कूल रख सकते हैं, बिना प्लैनेट को वार्म किए हुए भी हम लोग कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल के ले गए ताकि जो लोग हैं वो भी अच्छे से एंजॉय कर सकें, जो भी एसी वगैरह की फैसिलिटी, और वो इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचाएं, तो इसके ऊपर फोकस दिया जाता है। क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए गठन क्यों किया गया था, अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए गठन किया गया था। इसका कौन कौन मेंबर है यहां पर, अफगानिस्तान खुद है, ऑब्वियस सी बात है होगा, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान है, और चाइना है। तो ये चार कंट्री ने मिलकर अफगानिस्तान में शांति बनाने के लिए इस ग्रुप का गठन किया था, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। बात करते हैं स्टेट और यहां पर यूनियन टेरिटरी के बारे में, अगर हम लोगों ने बात करेंगे इनके बारे में, जो मेंशन किया गया वो हमारे संविधान के शेड्यूल फर्स्ट में मेंशन किया गया है, एक स्पेशल लेक्चर मैंने पॉलिटिका ओनली इसी के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए नॉर्मली आप लोग देखेंगे इसके बारे में, पीसो के बारे में, जिसको देख सकते हैं पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव एंड द सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। नॉर्मली आप लोग बोलेंगे एनर्जी या पेट्रोलियम या फिर किसी दूसरी मिनिस्ट्री के अंडर में, पर लेकिन है कहां पर, कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो याद रखिएगा कौन है मिनिस्टर, ये भी जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे कई बार आप लोगों को बता चुका हूं तो आप लोगों का एक तरीके से हल्का सा रिवीजन हो जाएगा। तो ये तो टोटल क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, अपना स्कोर जरूर लिखिएगा जो भी रहा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है जर्मनी के बारे में। जर्मनी की जो चांसलर हैं वो है एंजेला मार्कल। जिस तरीके से हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है जिस तरीके से पावरफुल, ऐसे यहां पर चांसलर होती है, एज ए प्राइम मिनिस्टर आप लोग इनको ट्रीट कर सकते हैं। अभी यहां पर जो इनका प्राइवेट डेटा है वो ऑनलाइन यहां पर वेबसाइट पर मिला, यहां पर कंप्लीट जो बहुत सारी पर्सनैलिटी थी उनमें एंजेला मार्कल भी एक थी, यानी कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिशियन और अलग अलग जो इंक्लूडिंग पर्सनैलिटी थी इंपॉर्टेंट, यहां पर बहुत सारा इनका प्राइवेट डेटा, जैसे कि प्राइवेट डेटा में क्या था, पर्सनल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कई सारे लेटर, इनवॉइसेस, जो बिल वगैरह, कॉपीज, आइडेंटिटी के जो डॉक्यूमेंट है वो सारे ऑनलाइन ट्विटर पर पब्लिश मिले। और ये जो इंफॉर्मेशन थी अब तक सामने नहीं आई थी, काम हुआ दिसंबर में, पर लेकिन अब ये सामने इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है जनवरी के महीने में, यानी कि लास्ट ईयर हुआ था और एक साल बाद इंफॉर्मेशन, मतलब एक साल तो ज्यादा हो जाएगा बोलना, मतलब लगभग बोल सकते हैं
वैसे चेंज हुआ है, पर लेकिन ज्यादा एक डेढ़ हफ्ता ही हुआ है, ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये बहुत बड़ा प्राइवेसी का ब्रीच हुआ है यहाँ पर, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। तो कंट्री है जर्मनी, जर्मनी का इंपॉर्टेंट नाम है याद रखिएगा। फेसबुक के द्वारा जो किया गया था यहाँ पर यूएसए के इलेक्शन के ड्यूरेशन में, वो बात आप लोग जानते हैं। अब ये उसके बाद में बहुत बड़ा ब्रीच यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी के डेटा भी सेव नहीं है ऑनलाइन, तो हम जैसे के डेटा का क्या होगा, ये कहने की बात आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और इसी के लिए हमारी कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी लाने की बात की जा रही है, तो देखते हैं कब तक चीजें आती हैं। और प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना चुका है हमारी कंट्री में, केस का नाम याद रखिएगा, केएस पुट्टा स्वामी केस, जिसके तहत हमारी कंट्री में प्राइवेसी को अब फंडामेंटल राइट बनाया जा चुका है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, आगे जो यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। मेनका गांधी जी हैं यहां पर मिनिस्ट्री, तो ये होस्ट करने वाले हैं अभी छठा वुमेन ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक फेस्टिवल। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है वुमेन ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक फेस्टिवल का मतलब है कि जो हमारी महिलाएं हैं हमारी कंट्री में, अगर वो किसान बनना चाहती हैं तो किस तरीके से उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि हाँ वो भी खेती कर सकती हैं। ये नहीं कि ये हाँ मेल की ही कम्युनिटी का काम है, किसान बनना चाहें तो महिलाएं भी किसान बन सकती हैं। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए जनवरी 12 से जनवरी 14 2019 तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा लिजर्व वैली चंडीगढ़ में। ये फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो प्रमोट किया जाएगा यहाँ पर कैसे, अगर फार्मर बनने के साथ में एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, यानी कि अपना खुद का बिजनेस लगा सकती हैं। मान लीजिए क्या किया, खेतों में कुछ भी इस तरीके का प्रोडक्ट उगाया जिसको मार्केट में बेचा जा सकता है। मान लीजिए टमाटर उगा लिए खेत में, ठीक है, तो मार्केट में कैसे उसको बेचा जा सकता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक सेक्टर कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी जो एग्रीकल्चर है उसमें, यानी कहने का मतलब है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी और साथ साथ किसान भी, और इसी के साथ में एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकती है महिलाएं। तो ये सारी चीजों पर फोकस यहां पर इस जो यहां पर ये होने वाली है ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत यहाँ पर इस पर डिस्कस किया जाएगा, इन सब चीजों पर फोकस किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है काफी, और आप लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, आगे बात की जा रही है यहां पर यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह के द्वारा क्या बोला गया है। ये बोला कि हमारी कंट्री में 585 होलसेल रेगुलेटेड मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, जो आप लोग बोल सकते हैं यहां पर कि ये मार्केट जिसको आप लोग कनेक्ट करने की बात करते थे बहुत लंबे समय से इंटरनेट के थ्रू, यानी कि ई मार्केट बनाने की बात कर रहे थे। तो 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में हम लोग इस तरीके से इसको कनेक्ट कर चुके हैं। आने वाले टाइम में जो फार्मर है, जो किसान है, वो अपना जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो आसानी से यहां पर आकर बेच सकते हैं और उनको एक वाजिब प्राइस यहां पर दिया जाएगा। तो इन सब चीजों पर फोकस रखते हुए यहां पर ये इस तरीके की बात की जा रही है। और जितना ज्यादा कनेक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव प्राइस मिलेगा। और सबसे बड़ी कोशिश ये की जाती है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक देखिए प्राइस जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। मान लीजिए जो गेहूं बेचे जा रहे हैं जिस प्राइस पे वो नॉर्थ में बेचे जा रहे हैं उसी प्राइस पे साउथ में होने चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि पूरी कंट्री में जो किसानों को है वो इक्वल यहां पर देखने को मिले उसका जो प्राइस है। यानी कि अपने एरिया में अगर यहां पर ज्यादा प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा है तो कम से कम दूसरे एरिया के हिसाब से वो प्राइस अच्छा मिलना चाहिए। तो कुछ ऐसी बात यहां पर की जानी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। आगे यहां पर बात की जा रही है 27th जो बुक फेयर है, वर्ल्ड बुक फेयर, ये यहां पर प्रगति मैदान में स्टार्ट हो गया है। कब से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है 5 जनवरी से। ठीक है, देखिए पता नहीं कई सारे ऐसी इंफॉर्मेशन भी अपलोड कर दी जाती है जो कि गलत होती है। जहां से मैं रिसोर्सेज उठाता हूं नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है गवर्नमेंट रिसोर्सेज होते हैं, PIB, ऑल इंडिया रेडियो, या फिर कई बार आप लोगों को जो न्यूज पेपर के आर्टिकल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो कई बार यहां पर अपडेट गलत कर दिया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था उसी दिन स्टार्ट होने वाला है, तो वो अपडेट इन्फॉर्मेशन गलत थी। यहां पर जो स्टार्ट होने वाला है 5 से 13 तक ये चलने वाला है। ठीक है, अब बाकी अगर कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अगर आप लोगों को पता है कि गलत हो गई है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में तो मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं आप। तो ये जो यहां पर है ये पहले तो आप लोग याद रखिएगा 27th एडिशन है, वर्ल्ड बुक फेयर देखने को मिलता है हर साल आप लोगों को प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, और प्रगति मैदान के नाम से मेट्रो स्टेशन भी है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा यहां पर इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये, अगर किताबों से प्यार है, से कहते नहीं आमिर खान की मुझे मशीनों से प्यार है, ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप लोगों को किताबों से प्यार है तो 3 डेट वाला डायलॉग आप लोग यहां पर जाकर लगा सकते हैं कि हाँ हमें भी किताबों से प्यार है। तो इस तरीके से आप लोग एक अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग किताब और जो अब तक मार्केट में भी नहीं आई है उनके भी पब्लिकेशन आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि मेक्सिको के बॉर्डर पर एक चाइना जैसी बड़ी दीवार बना दी जाए ताकि कोई भी लोग मेक्सिको का इनकी कंट्री में यहां पर एंट्री न कर सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर इन्होंने क्या किया है, एक बजट मांगा था कांग्रेस से, उन्होंने बजट देने से मना कर दिया है। तो इन्होंने ये बोला है ठीक है अगर आप लोगों को बजट नहीं देना है तो मत दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो यहां पर शटडाउन अगर पड़ा रहेगा तब तक कोई भी काम यहां पर गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। तो देखते हैं कैसे यहां पर काम चलता है। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा और वहां पर और डिटेल में डिस्कस करूंगा आखिर बात क्या की जा रही है और मैप में भी आप लोगों को दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल
बात की जा रही है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अभी यहाँ पर ये एक तो दो चीजों के यहाँ पर एक दो चीजों का यहाँ पर इनोग्रेशन किया गया है। एक तो किया गया यहाँ पर नॉर्थ कोयल, ये है यहाँ पर क्या, ये है मंडल डैम, एक तरीके का डैम प्रोजेक्ट है यहाँ पर जिसकी कॉस्ट रहने वाली है लगभग 2500 करोड़ रुपए। और एक यहाँ पर कन्हर स्टोन पाइपलाइन इरिगेशन सिस्टम, ये देखने को मिलेगा आप लोगों पालामऊ झारखंड में। तो देखिए ये झारखंड जरूर याद रखेगा। तो दो चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली जो कि इनोग्रेट की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो काफी कुछ यहाँ पर फायदा होता है इनसे आने वाले टाइम में। तो देखते हैं किसानों को भी फायदा होगा, कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी कई सारे मछली पालन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, बाकी आप लोग जानते हैं साइक्लोन पाबुक के बारे में, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, फुल जोर शोर से पूरी तबाही मचाए हुए है खासकर गल्फ ऑफ थाईलैंड वाले रीजन में। ठीक है, तो इसको आप लोग लोकेशन अभी देखेगा तो बोला जा रहा है 16 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भी चल रहा है। और ये देखते हैं बिल्कुल यहाँ पर जो भी यहाँ पर खंबे वगैरह थे वो सड़क पर बिछा दिए गए हैं यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से, देख सकते हैं आप लोग क्या कंडीशन बना दी गई है। तो थाईलैंड यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया थाईलैंड, जूम करेंगे तो आप लोग ढंग से इसको समझ पाएंगे कि कौन सा ये हो गया गल्फ ऑफ थाईलैंड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया यहाँ पर, यहाँ से होते हुए अंडमान निकोबार वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इधर को जब चलेगा ये तो हमारी कंट्री का जो अंडमान निकोबार वाला आइलैंड वाला एरिया है तो वहां पर भी इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। ये पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ, अंडमान निकोबार, अंडमान सी हो गया यहाँ पर, ये हो गया गल्फ ऑफ थाईलैंड और ये ऊपर हो गया यहाँ पर थाईलैंड, कैपिटल है बैंकॉक। ओके, तो यहाँ पर काफी प्रॉब्लम ये कर चुका है ऑलरेडी, तो लोकेशन आप लोग याद रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये पाबुक साइक्लोन का नाम पता होना चाहिए आप लोगों को। बात की जा रही है यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के बारे में, इम्पोज किया गया है यहाँ पर इसके द्वारा फाइन 100 करोड़ रुपए का मेघालय के ऊपर। तो मेघालय फेल हो गया है यहाँ पर कोल माइनिंग में, जो प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिली मेघालय में, बहुत सारे लोगों को बचाया भी गया, तो इस तरीके जो सिचुएशन निकल कर आई तो इसकी वजह से यहाँ पर 100 करोड़ का फाइन लगाया। आखिर क्यों ऐसी हरकतें की गई जिसकी वजह से यहाँ पर ये कंडीशन निकल कर आई, तो कहने का मतलब ये कि ये सब चीजें जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली उसको कंट्रोल नहीं किया गया मेघालय के द्वारा, तो इसलिए फाइन लगाया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको आप लोग एनजीटी बोलते हैं, ये वर्क करता है स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 का एक एक्ट था जिसके हिसाब से ये काम करता है, पार्लियामेंट के द्वारा यहां पर बनाया गया था। क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल है जिससे यहां पर इंस्पायर होके इसको बनाया गया, यानी कि कौन से आर्टिकल से इसकी पावर निकल कर आती है, ये आप लोगों को बताना है। कल डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को बता दूंगा, इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है काफी इंपोर्टेंट एक स्कीम के बारे में, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन अशुद्धि परियोजना। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो पूरा जो नाम बनाया गया है वो PMBJP, ठीक है, यानी कि इसको परियोजना की जगह इसको योजना ही बोला जा सकता था, पर लेकिन परियोजना लगाया नाम, तो कहने का मतलब ये बिल्कुल डिटेल में उसी तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री जन अशुद्धि योजना भी लगाया सकता है, भारतीय लगाया गया यहाँ पर पूरा बीजेपी बनाने के लिए, मतलब तिकड़मबाजी तो पूरी लगा देते हैं लोग। चलिए जो भी है, पीएम सही है, पीएम के द्वारा चीज चल रही है तो समझ में आता है, मतलब पार्टी का नाम चिपका दिया, चलिए जो भी है, याद रखिएगा इसी बहाने से। ये मेरा पर्पज ये नहीं है कि मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मेरा पर्पज ये था कि आप लोग इस स्कीम को याद रख सकें, इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया आप लोगों के लिए, तो अब आप लोग इसको भूलेंगे नहीं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर बात ये निकल कर आ रही है 4,677 अभी यहाँ पर इस तरीके केंद्र खोले गए हैं जहां पर जो दवाइयां हैं वो सस्ती मिलेगी, यानी कि इतने यहाँ पर आज के में फंक्शन कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर जो जेनरिक दवाई है वो सब यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो जो ये लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था कब, 2015-16 में लॉन्च किया गया था, और कौन सी मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इसके हिसाब से यहाँ पर ये काम करती है, जो कि आप लोग देखते हैं, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में जरूर रखिएगा। और इसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसको देखता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। आगे चलता हूं, आगे जो बात की जा रही है ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, खासकर अगर बात करते हैं टीचर्स के लिए, तो अगर टीचिंग में इनोवेशन आता है, तो देखिए अगर टीचिंग में इनोवेशन आता है तो ये शानदार इनोवेशन आप लोग सोसाइटी में बोल सकते हैं, यानी कि जो पढ़ाई की जाती है सोसाइटी में वो बच्चे पास होने के लिए नहीं करनी चाहिए, वो ऐसा कुछ तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि जनता समझे चीजों को, वो जाने, इस तरीके से हम लोगों को पढ़ाई करानी चाहिए, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो जो इनोवेशन जो टीचिंग में देखने को मिलता है, इसी के लिए जो टीचर है ओनली उनके अंदर बोला गया यहां पर कैपेबिलिटी होती है जो सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों बोला गया, देखिए टीचर की बात ये नहीं है कि जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर हूं, इसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, आप लोगों के पेरेंट्स भी आप लोगों को टीचर देखने को मिलेंगे, वर्ल्ड में जो फर्स्ट टीचर होते हैं वो पेरेंट्स ही माने जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है कि पेरेंट्स ही आप लोगों को टीचर तक का रास्ता दिखाते हैं और टीचर भगवान तक का रास्ता दिखाते हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है सबसे बड़े टीचर कौन हो गए, पेरेंट्स से सबसे ऊपर, उसके बाद में टीचर और उसके बाद में भगवान, ये माना जाता है। नॉर्मली भगवान भी तीसरी पोजीशन पर आता है, अगर आप लोग यहां पर इसको पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो टीचर एक तरीके से सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, आप लोग भी एक टीचर
बन सकते हैं, किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला है कि जब भी आप लोगों को टाइम मिले वीक में, नहीं तो आप लोग कम से कम डेली नहीं तो वीक में आप लोग टाइम निकाल लीजिए, एक घंटा कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो भी बच्चा आप लोगों को दिखे किसी बच्चे को पढ़ा दीजिए बैठा के, कम से कम कुछ तो सीखेगा कुछ तो समझेगा, तो ये आप लोग भी काम ये कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हल्की सी इन्फॉर्मेशन है, आइडिया रखेगा। तो प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा बोला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसके अंडर में है, तो ये मिनिस्टर है हमारी कंट्री के। ओके, आगे चलता हूं। आगे यहां पर निशा वर्मा के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए, तो एक एक करके यहां पर देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन की बात मैंने की थी, तो आर्टिकल 280 आप लोगों यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके तहत हमारी कंट्री का 15th फाइनेंस कमीशन है। आप लोगों को यह बताना है 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह है कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहने वाला है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को यह बताना है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन से जो पहला कमीशन था यानी कि 14th फाइनेंस कमीशन, उसके चेयरमैन कौन थे। ये कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, डायरेक्ट रैंडमली क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कई बार आप लोगों को रिवीजन भी करा चुका हूं, अब तो आप लोगों को रट जानी चाहिए चीजें। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में फॉर्म किया गया था 1875 में। एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव यहां पर ये है केजे रमेश, ठीक है। कई जने यहां पर आरजे भी लिखा है, तो आरजे नहीं है केजे है, ये याद रखिएगा। बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। और जो मिनिस्टर यहां पर ये है हर्षवर्धन जी, ये वही मिनिस्टर हैं जिनको बात की जा रही थी अरविंद, जब यहां पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनाने की, तो अरविंद केजरीवाल के सामने यहां पर जो खड़े हुए थे एज ए चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए, उन्हीं की पर्सनैलिटी यहां पर बात की जा रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। जो इसका फॉर्मेशन किया गया था 18 अक्टूबर 2010 में, चेयरमैन कौन है यहां पर, ये इनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। और बात करते हैं यहां पर, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के हिसाब से काम करता है। आज के क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, जो मैंने पूछा है कौन से आर्टिकल से इंस्पायर होकर यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर जरूर देते रहा कि ये क्वेश्चन का, क्योंकि आप लोग जैसे जाकर आंसर सर्च करते हैं तो कई सारी चीजें आप लोगों को और जानने को मिलती है, और एक बार आप लोग उस पर नजर डाल लेते हैं, खुद उठाकर उसको टाइप कर देते हैं, तो आप लोगों की समझ में भी आ जाए। कई सारे बच्चे बोले थे सर टाइप कैसे करें, देखिए टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग टाइप नहीं कर पा रहे, ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो एक कॉपी पर आंसर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। कॉपी पर आंसर लिखकर भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, अगर पोस्ट भी नहीं करना है आप लोगों को, कॉपी पर लिख लिया तो आप लोग उसको अपने पास भी रख सकते हैं, या आप लोगों की श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है, पर एक बार को उस पर नजर जरूर मार लीजिए आप लोग, तभी आप लोग उसको एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे। आगे चलता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो जो फर्स्ट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये बात की जा रही है किसके बारे में, यह है ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन, यानी कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं वो किसी भी रीजन से कर सकते हैं, इंप्लॉयमेंट के लिए, या फिर घूमने के लिए, या फिर कहीं पे सुनामी आ गई है, कोई बाढ़ आ गई है उसकी वजह से, या फिर कहीं पर लड़ाई हो रही है उसकी वजह से, तो कई सारे रीजन यहां पर हो सकते हैं, या फिर आप लोग इलाज कराने के लिए भी बोल सकते हैं। तो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा अडेप्ट किया गया यहां पर अभी एक, इसको बोला गया ग्लोबल कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है ठोस, फॉर सेफ्टी ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। तो इसके बारे में बात की जा रही है, फर्स्ट एवर एक ऐसा नेगोशिएशन देखने को मिला जो कि ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करने वाला है, कॉमन अप्रोच यहां पर लेके चली जाएगी इंटरनेशनल माइग्रेशन, अगर ओल्ड डायमेंशन में कहीं पर भी देखने को मिलता है तो, यानी किसी भी तरीके का माइग्रेशन होगा उसको यहां पर हैंडल करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो माइग्रेट करते हैं उनके लोगों के बारे में ध्यान रखा जा सके। तो जो इसका एक एम जो इसका रखा गया है, ये कंसर्न यहां पर लगभग 258 मिलियन लोग, यानी कि बात की जा रही है 258 मिलियन लोगों की बात, जो मूव कर रहे हैं आज के डेट में कंट्री ओरिजन या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको अडेप्ट करने की बात की गई है। और ये जो जनरल असेंबली में यहां पर वोट की गई है, 152 वोट इन फेवर में देखने को मिली। तो कहां पर हुआ ये सब कुछ, ये आप लोग इसके बारे में भी याद रखिएगा, ये है यहां पर मराकेच। मराकेच कहां पर है, ये है मोरक्को। तो मोरक्को आप लोग एक बार लोकेशन में देख लीजिए ताकि कनेक्ट कर सके। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोग एक कंट्री यहां पर देखने को मिलेगा, ये देखे यहां पर, ये हो गया मोरक्को, ठीक है। वैसे पहले भी हम लोग दिखा चुके हैं, जैसे द हिंदू में हम लोग डिस्कस करते हैं ना एक एक कंट्री के बारे में डेली, तो कई बार आप लोग यहां पर इसके बारे में, आप लोगों को पता ही है, कई बार इसके बारे में आप लोगों को दिखाया जा चुके हैं। ये देखिए यहां पर अगर कैपिटल की बात करते हैं, तो ऊपर हो गई कैपिटल, ये हो गई रबात, और ये हो गया यहां पर मराकेच, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है, ये हो गया मोरक्को, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहां पर ये सारी चीजें बात की गई, किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर फोकस देकर चल सकते हैं। तो इंडिया ने भी फेवर में वोट किया यहां पर, जबकि अगर देखने को मिलेगा, अगर इसके अलावा कुछ कंट्री ने यहां पर अपोजिट में भी वोट किए, जैसे यहां पर चीज रिपब्लिक आप लोग देखते हैं, हंगरी, इजराइल, पोलैंड, यूएसए, तो इन्होंने अगेंस्ट वोट किया, वो नहीं चाहते हैं यहां पर ये ऐसी चीजें देखने को मिले। आगे यहां पर बात की जा रही है, देखिए यहां पर अगर ह्यूमन राइट की आप लोग बात करते हैं तो उसके बारे में फोकस किया जाएगा, इंक्लूडिंग अगर नेशनल की सोवरेनिटी की बात करें तो उसको भी हट नहीं किया जाएगा। तो कुछ ऐसे करके काम किया जाए ताकि जो कंट्री है उसकी भी सोवरेनिटी बनी रहे, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़े, और जो लोग आ रहे हैं उनके राइट की भी जिक्र किया जा सके, उनको भी ध्यान में रखा जा सके। हालांकि ये नॉन लीगली बाइंडिंग आप लोगों यहां पर कॉम्पैक्ट नजर आएगा, यानी कि देखने को ये मिलेगा कि श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर इसके फेवर लेकर आप लोग अपनी खुद के लिए कोई ऐसा लाभ बना सकते हैं अपनी कंट्री के हिसाब से, ताकि उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही हैं।
यह आर्टिकल जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बोला था कि एक आगे भी आर्टिकल डिस्कस करेंगे, तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है, अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, यानी कि मेक्सिको के जो वॉल बनाने की बात की जा रही है बॉर्डर पर, अगर आप लोगों मुझे अलाउ नहीं करेंगे तो मैं जो है यहां पर काम नहीं आप लोगों को करने दूंगा। अभी जो फंड है यहां पर, जो फंड है यहां पर, उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो रन कर सकती है 8 फरवरी तक रन कर सकती है। इसके आगे के लिए फंड भी यहां पर नहीं है, फंड सेंक्शन करने के लिए यहां पर प्रॉपर सीनेट जो है यहां पर इनकी पार्लियामेंट में ढंग से काम करना पड़ेगा, पर लेकिन यहां पर ये अलाउ नहीं कर रहे हैं उन सब चीजों को। तो कहने का मतलब ये, इन्होंने बोला है अगर आप लोग मेरा जो फंड है वो यहां पर अलाउ नहीं करेंगे वॉर बनाने के लिए, जो कि इन्होंने कंपेन के दौरान में जब इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम पर बोला था, तो ये बोल रहे हैं कि मैं यहां पर गवर्नमेंट को काम करने ही नहीं दूंगा। तो देखते हैं अब आगे क्या चलते हैं। यहां पर शटडाउन है, यहां पर अगर देखा जाए ढंग से आने वाले टाइम में तो काफी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ सकती है। लगभग 8 लाख जो फेडरल वर्कर हैं उनको भी यहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो देखते हैं इस इंसान की जीत के सामने ये ठहरते हैं या फिर कोई सॉल्यूशन यहां पर निकाल के लेके आते हैं। तो लोकेशन कहां पर है, ये हो गया मेक्सिको, आप लोग देखते हैं। तो यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर पर यहां पर ये बात की जा रही है। ये देखिए आप लोगों को बीच में लाइन लाने जा रही होगी यहां पर, ये तो ये पर्टिकुलर एरिया, तो इसके बारे में बात की जा रही है। इसके ऊपर बॉर्डर बनाने की बात करें डोनाल्ड ट्रंप, ताकि माइग्रेशन यहां से रोका जा सके, जो कि खासकर इलीगल माइग्रेंट यहां से बहुत सारे लोग आते हैं। आगे बात करते हैं राज्य की न्यूज के ऊपर, तो जो स्टेट की न्यूज अगर आप लोग देखेंगे तो ये बात की जा रही है यहां पर एक मेले के बारे में। तो बात की जा रही है चाय बगीचा धान पुरस्कार मेला, तो इसके बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। ये क्या है, यहां पर एक तरीके से आसाम गवर्नमेंट के द्वारा जो यहां पर टी वर्कर्स होते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए यहां पर ये स्कीम है। तो लगभग 2500 रुपए यहां पर ट्रांसफर किए जाते हैं। पहली बार बोला गया था यहां पर कि जनवरी 15 तक यहां पर 2500 रुपए कर दिए गए हैं, तो 200 करोड़ रुपए और यहां पर देखने को मिले, जिसके तहत आने वाले टाइम में और भी ट्रांसफर किए जाएंगे। लगभग बोला गया 7 लाख किसानों के लिए, तो 26 डिस्ट्रिक्ट यहां पर कवर करने की बात की जा रही है। तो अनाउंस किया गया 5000 रुपए, पहले 2500 था अब 5 हो जाएगा अगर मिलाकर काम किया जाएगा, तो इसके तहत यहां पर बात की जा रही है। ज्यादा ये याद रखने की जरूरत नहीं है कितने पैसे दिया जा रहा है, 2500 या 5 क्या दिया जा रहा है, ये याद रखिएगा। चाय बगीचा धान पुरस्कार मेला ये किससे रिलेटेड है, ये आसाम में है यहां पर जो टी वर्कर है उनके लिए, तो ये याद रखिएगा। आगे नजर डालते हैं इकोनॉमी की न्यूज के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में काफी न्यूज में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसमें जो भी क्रेडिट लेता है यानी कि जो भी उधारी लेता है उसका यहां पर रजिस्ट्री क्रिएट करके रखी जा सके, और ताकि कल को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको आप लोग बोलते हैं ना एनपीए, यानी कि कुछ ऐसा लोन हो जाए जो कि लगे कि वापसी नहीं आना है, उसको यहां पर कंट्रोल किया जाए। वो कैसे होगा, देखिए यहां पर नॉर्मली क्या होता है, अलग अलग इंसानों की इंफॉर्मेशन जगह जगह मिल जाती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात की जा रही है, इसके अलावा सेबी के पास में अगर इंफॉर्मेशन है, किसी मिनिस्ट्री के जैसे कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के पास में है, या फिर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी जो हमारी कंट्री में बोर्ड है इंडिया का, उसके रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है, तो सब जगह से डेटा को इकट्ठा करके रखा जाएगा और फिर उसको मिलाया जाएगा कि ये इंसान किस तरीके से चीजों को करता है, यानी कि पास्ट में इसका रिकॉर्ड कैसा रहा है। अगर पास्ट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो आगे फिर इसको क्रेडिट नहीं देना है। कहने का मतलब यह है कि बैंक का जो पैसा है उसको बर्बाद होने से बचाना है, नीरव और माल्या टाइप के जो लोग हैं वो फिर से ना यहां पर पिक्चर में आ सके उनको रोकना है, क्योंकि माल्य का जो लोन दिया गया था वो उसके बावजूद दिया गया था क्योंकि पहला रिकॉर्ड उसका अच्छा नहीं था, फिर भी उसको लोन दिया जा रहा था, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, तो बैंक और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो 360 डिग्री यहां पर प्रोफाइल तैयार कर देगा कि कौन जो बोरोवर है वो रियल टाइम के बेसिस पर इंफॉर्मेशन रहेगी कि एक्चुअल में अगर किसी को लोन देना है तो देने से पहले चेक कर लीजिए एक बार कि ये इंसान किस लेवल का इंसान है, यानी कि एक अच्छा इंसान है या फिर पैसे को लेकर भागने वाला है। तो यहां पर 6 मेजर जो आईटी कंपनी है वो वर्क करने वाली है इसके ऊपर, टीसीएस, विप्रो और आईबीएम, 3 तो कंपनी का नाम आप लोग जरूर याद रखेगा, बड़ी कंपनी है, 3 और इसके अलावा है, ठीक है। तो ये जो है यहां पर इसके ऊपर वर्क करने वाली है डेटा को इकट्ठा करने का, जो विलफुल डिफॉल्टर होते हैं अपनी इच्छा से जो डिफॉल्टर बन जाते हैं कैसे उनको कंट्रोल करना है उसके ऊपर फोकस देकर यहां पर चला जाएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है अमेंडमेंट बिल के बारे में, तो ट्रिपल तलाक अमेंडमेंट बिल आप लोगों को पता है यहां पर पास कर दिया गया लोकसभा के द्वारा, तो उसी के बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। राज्यसभा में बोला जा रहा था कि इसको रोका जाएगा, कहने का मतलब यह कि जो वुमेन को यहां पर जो खासकर मुस्लिम जो महिलाएं होती हैं प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, राइट टू प्रोटेक्शन और मैरिज, यानी कि तलाक 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 जो 3 बार तलाक बोल के जो तलाक दे दिया जाता है वो तलाक अब काउंट ही नहीं होगा, यानी कि अगर कोई बोल के भी चला गया तो ये समझा जाएगा कि चुटकुला सुना के चला गया है, यानी कि उसको काउंट ही नहीं करेंगे अगर कोई ऐसे बोल के चला गया है, वो तलाक नहीं माना जाएगा, ना के बराबर उसका बोलना रह जाएगा यहां पर। तो ये अच्छी बात बोल सकते हैं, तलाक 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 बोल के चले जाने से तलाक हो जा रहा है, तो एक खतरनाक लेवल की सिचुएशन यहां पर बन जाती थी। तो इसी के तहत यहां पर ध्यान में रखते हुए ताकि इन सिचुएशन को रोका जा सके, तो उसके बारे में यहां पर ये बिल पास किया गया है।
तुझे यहाँ पर सपोर्ट किया गया इसको, इसको यहाँ पर सपोर्ट करने वाले लोग कितने हैं ये आप लोग देख लीजिए, बात की जा रही है 245 यानी कि 245 लोगों ने इसको सपोर्ट किया यहाँ पर और ओनली 11 ने यहाँ पर इसको अपोज किया है। ट्रिपल तलाक इंस्टेंट अगर तलाक बोला जाता है तो उसको यहाँ पर नल एंड वॉइड इलीगल करार दे दिया गया, अब उसको माना नहीं जाएगा और इसके तहत यहाँ पर अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो पनिसेबल ऑफेंस उसको माना जा रहा है यानी कि उसको जेल मिलेगी 3 साल तक के लगभग, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर देखने को की जा रही है। कई सारे द हिंदू में हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किए थे इससे रिलेटेड, बात ही आती है निकल के कि क्या ट्रिपल तलाक को हम लोग पनिसेबल ऑफेंस बना सकते हैं। नॉर्मली तलाक को पनिसेबल ऑफेंस नहीं बनाते हैं, पर लेकिन फिर यहाँ पर ट्रिपल तलाक को पनिसेबल ऑफेंस क्यों बनाते हैं? देखिए जब तलाक 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 अगर कोई 3 बार बोलता है तो वो तो काम खत्म हो गया, तो इसका मतलब तलाक तो नहीं माना जाएगा, तो फिर पनिशमेंट किस खुशी में करना, एक बात ये। तो अगर मान लीजिए यहां पर तलाक तलाक बोलने के बाद में फिर महिला को घर से निकालने की बात करता है, कोई अत्याचार करता है, उसके लिए अलग से लॉ है हमारी कंट्री में उसको हैंडल करने के लिए। तो कहने का मतलब ये पनिशमेंट देना यहां पर सिविल राइट्स में ये यहां पर बात की गई थी, ये सही नहीं है। तो ये आर्टिकल हम लोगों ने कई बार डिस्कस किए थे, यानी कि अगर कोई ऐसी हरकतें करता है वो तो यहां पर खत्म हो गया कि तलाक तो नहीं होगा, उसके बाद भी कोई हरकतें करता है तो डायरेक्ट यहां पर इनकी रिपोर्ट की जा सकती है। ओके, तो ये कुछ बातें थी। बाकी बात की जा रही है, बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड द जस्टिस रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे जो बात की जा रही है यहां पर एक नेशनल पार्क के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कौन सा है नेशनल पार्क? नेशनल पार्क है यहां पर बेटला नेशनल पार्क। लोकेशन कहां पर है? छोटा नागपुर प्लेटू। कहां पर है? झारखंड में। लोकेशन आप लोग यहां पर देखते हैं, यह है झारखंड के अंदर जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ यहां पर जो पार्क है तो ये पार्क काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बात की जाए छोटा नागपुर प्लेटू, वैसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये वैसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि छोटा नागपुर प्लेटू कौन से राज्य में, किस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो झारखंड वाला एरिया मेनली आप लोग कवर होता है, यहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा एरिया कवर करता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में। तो झारखंड के साथ साथ में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़, ये वाला एरिया भी कवर करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया नॉर्मली माना जाता है। तो हल्का सा आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। बाकी क्या क्या कंप्राइज करता है यहाँ पर, क्या क्या इसके अंदर में आता है? बेटला नेशनल पार्क, ये आप लोगों को पालामाऊ टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, और सम आप लोगों को जो पार्सन है, जो पोर्शन है यहाँ पर, ये है महुआदर वुल्फ सेंचुरी, ये भी यहाँ पर इसके अंदर में आती है पार्क के अंदर में, जो कि 1989 में यहाँ पर एड की गई थी। पालामाऊ टाइगर रिजर्व वन ऑफ द 9 ओरिजिनल टाइगर रिजर्व हमारी कंट्री में, और यहाँ पर अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस टाइगर रिजर्व के बारे में, जो बेटला है यहाँ पर, ये फर्स्ट जो नेशनल पार्क था जो कि टाइगर रिजर्व के तहत में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में आया था, ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है। बाकी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर इसको कवर करता है, इसके अंदर फ्लोरा, फ्यूना और वाइल्ड लाइफ जो बर्ड्स हैं यहाँ पर, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर साल, बैम्बो, मेडिसिनल प्लांट, इसके अलावा पैंथर, वोल्फ एंड जैकाल, ये सब देखने को मिलेंगे। बाकी हॉर्नबिल, इसके अलावा यहाँ पर पीफुल और रेड जंगल फॉल, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर ये हॉर्नबिल फेस्टिवल एक राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में, उस राज्य का आप लोगों को नाम बताना है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये, अभी जो यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने को मिला, अब की बार यहाँ पर ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज, किसके द्वारा ओरिजिनेट या फिर किसके द्वारा यहाँ पर इसको इनोग्रेट किया गया, ये आप लोगों को बताना है। पहली बार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इसको किया गया था, और ये दिसंबर के महीने में आप लोगों को देखने को मिलता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नॉर्मली ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल रिवीजन करते हैं। रिवीजन के साथ में 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों जाएंगे इस लेक्चर को देखेंगे तो आप लोगों को लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे। वर्किंग एंड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि देखिए असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की आप लोग बात करते हैं, लगभग सारी पर्सनैलिटी वहां पर प्रेजेंट थी, 2 पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट नहीं थी, एक तो महात्मा गांधी जी और दूसरी कौन थे जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, क्वेश्चन बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। उस ओल्डेस्ट नाम का और इंसान का नाम आप लोगों को बताना है जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था यहाँ पर असेंबली का, और ये फ्रेंच से हम लोगों ने लिए प्रैक्टिस जिसके तहत यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। December 13, 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया गया असेंबली में, हिस्टोरिक है ये भी, कई बार क्वेश्चन बन चुका है किसके द्वारा मूव किया गया था, सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, जाकर देखेगा। वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे या फिर टेलीग्राम, इसके अलावा आप लोग यहां पर फेसबुक पर भी जाकर इसको देख सकते हैं, तो सब जगह पोस्ट कर दूंगा। रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, और जो भी आप लोग वीडियो देख लेते हैं उसके नीचे डन लिख दिया करें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे आप लोग कितने पानी में रिवीजन कर रहे हैं या फिर मेरी मेहनत करवा रहे हैं। देखिए मुझे खुद जाकर यहां पर देखनी पड़ती है, उसके बाद में इसके जो मुझे क्वेश्चन यहां पर देखना है कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में से, वो निकालने पड़ते हैं, तो मेरी अलग से यहां पर 10-12 मिनट खर्च हो रही है।
तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छे से रिविजन करके चलेंगे ढंग से, ठीक है। आइए अब देखते हैं आंसर जो लास्ट वीडियो में पूछे थे। तो क्वेश्चन क्या थे यहाँ पर, पहला क्वेश्चन पूछा था 15th फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करेगा, तो अक्टूबर के महीने में तो कम से कम याद रख ही सकते हैं। और अक्टूबर की बात की जा रही है यार, इस साल की बात की जा रही है। एक बच्चा पूछ रहा है सर लास्ट ईयर तो 2018 को तो चला गया, वहां पे कैसे रिपोर्ट सबमिट करेगा, आने वाले की बात की जाएगी ना, तो इस साल अक्टूबर में सबमिट करेगा, यानी कि अब टाइम पड़ा हुआ है उसके पास में काम करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बात की जा रही है स्पेस गैलरी के बारे में, तो स्पेस गैलरी जो एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी इसरो के द्वारा, तो बिरला साइंस सेंटर हैदराबाद में की गई थी, नेहरू जो स्पेस सेंटर है मुंबई में, और इसके अलावा नेशनल साइंस सेंटर जो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में देखने को मिला। तो यहां पर ये मैंने क्वेश्चन पूछा था दिल्ली वाला पोर्शन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कांग्रेचुलेट किया गया अरुणिमा सिन्हा को, तो ये जो है यहां पर अंटार्कटिका का जो माउंट विंसन है यहां पर चढ़ने वाली जो महिला है हमारी कंट्री में, तो इनके द्वारा यहां पर हाईएस्ट पीक को स्केल किया गया, तो काफी इंपोर्टेंट बोल सकते हैं। साइक्लोन पाबुक है जो अंडमान निकोबार में पहुंचने की बात की गई थी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, यह है यहां पर पाइका रिबेलियन, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से पूछा था, मोदी जी के द्वारा कमेमोरेटिव कॉइन यहां पर इसके लिए जारी किया गया है, तो ये याद रखेगा, तो स्टैम्प भी इसकी याद में जारी किया गया है। फॉर्मर ओपनर ये है यहाँ पर डब्ल्यू वी रमन, तो यहाँ पर इनको इंडियन जो क्रिकेट टीम है उनका कोच बनाया गया है, खासकर वुमेन टीम का। जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये एक नेशनल पार्क आप लोगों को अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में देखने को मिलता है। आगे बढ़ता हूं, तो आइए एक बार रिविजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जाना वर्ल्ड वार ऑर्फन डे के बारे में, 6 जनवरी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आप लोगों को क्विज देखने को मिला, उस क्विज के हम लोगों ने आंसर भी दिखे। फर्स्ट फिर हम लोगों ने जाना जर्मनी में जो दुर्घटना देखने को मिली, बहुत सारे पॉलिटिशियन के जो पर्सनल डेटा है वो मार्केट में आ गए। 6th वुमेन इंडियन ऑर्गेनिक फेस्टिवल चंडीगढ़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर लगभग 585 जो ई मार्केटिंग है उसको यहाँ पर कनेक्ट करने की बात की जा रही है, प्रोड्यूस जो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट की बात करते हैं कनेक्ट करने की ई नेम मार्केट से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। बाकी हम लोगों ने डिस्कस किया 27th जो बुक वर्ल्ड फेयर है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर जो अभी चल रही है बच्चों की तरह जिद वो हम लोगों ने देखी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया वो प्रोजेक्ट झारखंड में, उनके बारे में जाना। नेक्स्ट आप लोगों को पाबुक जो साइक्लोन है उसके बारे में जानने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना 100 करोड़ रुपए का फाइन किया गया इम्पोज यहाँ पर मेघालय के ऊपर एनजीटी के द्वारा, वो जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री भारतीय जन अशुद्धि परियोजना के बारे में जाना, डिटेल में आप लोगों को समझाया। इसके अलावा यहाँ पर टीचिंग में इनोवेशन ही हमारी सोसाइटी को चेंज और ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये हम लोगों ने देखा। इसके अलावा यहाँ पर आंसर आप लोगों ने शानदार तरीके से दिए गए हैं। आज मैंने नाम लिया यहाँ पर निशा वर्मा, तो इस तरीके से आपका भी नाम यहाँ पर आ सकता है अगर आप लोग रेगुलर आंसर देकर चल रहे हैं तो। बाकी हम लोगों ने क्या क्या देखा देख लेते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर लेजिस्लेशन की बात की, खासकर किससे रिलेटेड जो बात की जा रही है यहाँ पर मेक्सिको में जो ट्रंप की बात हम लोगों ने देखी, तो यूएसए की बात हम लोगों ने की। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने देखा आसाम से रिलेटेड एक आर्टिकल था जो कि टी जो किसान है उनसे रिलेटेड था। यहाँ पर पब्लिक क्रेडिट जो एजेंसी बनाने की बात की जा रही है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी ये थी आप लोगों के सामने ट्रिपल तलाक के बारे में, और इसके अलावा आप लोगों के सामने था यहां पर एक नेशनल पार्क, और बाकी हम लोगों ने यहां पर क्या ये हम लोगों ने यहां पर देखा पॉलिटिकल रिवीजन। तो इसके क्वेश्चन के आंसर ही पूछे ये भी दीजिएगा, पॉलिटी वाले क्वेश्चन के आंसर कुछ बच्चे दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे हैं, ये सही बात नहीं है, तो इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना है। आइए आज का क्विज देख लेते हैं, अच्छे से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि कौन सी कंट्री के 100 पॉलिटिशियन का डेटा यहां पर अभी प्राइवेट डेटा यहां पर मार्केट में आ गया है। चांसलर आप लोग याद रखेगा एंजेला मार्कल, ठीक है, तो कंट्री का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 6th वुमेन ये इंडियन ऑर्गेनिक फेस्टिवल ऑपरेट करने की बात की जा रही है, तो ये कहां पर देखने को मिलेगी, तो लेजर वैली याद रख सकते हैं, उससे रिलेटेड आप लोगों को एरिया का नाम बताना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी यहां पर फाउंडेशन रखा है 2 प्रोजेक्ट का, तो दोनों प्रोजेक्ट के नाम आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे अगर बात करते हैं यहां पर ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ्टी ऑर्डरली और रेगुलेशन जो माइग्रेशन की बात करते हैं, तो ये किसके द्वारा अडेप्ट यहां पर किया गया, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यूएन के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, या किसी दूसरे एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, किसके द्वारा यहां पर ये देखने को मिला। ये है यहां पर बेतला नेशनल पार्क, ये लोकेटेड कहां पर है, जो कि आप लोगों को प्लेटू का नाम बताना है, झारखंड में है ये, वैसे आप लोगों को प्लेटू का नाम बताना है, ठीक है। बात की जा रही है शॉर्टलिस्ट किया गया यहां पर अभी रिसेंटली कौन कौन सी कंपनी को, ये किया गया है कंपनी TCS, विप्रो और IBM, ठीक है, किसके लिए, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के लिए, तो किसके द्वारा शॉर्टलिस्ट यहां पर किया गया है, ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो ये था टोटल डिस्कशन। देखिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, मुझे पता था लेक्चर लंबा होने वाला है क्योंकि न्यूज बहुत सारी कवर करनी थी, एक बार मन कर रहा था कि थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, कुछ न्यूज हटा देते हैं आगे लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, पर लेकिन आगे लेक्चर में क्या गारंटी है कि आगे ज्यादा न्यूज नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर हो गया आज।
इसको थोड़ा सा आप लोग टॉयलेट कर लीजिए। हालांकि मैंने सोचा है कि पूरा इंटरेस्ट में पढ़ाऊंगा, ताकि जितना मजा मुझे पढ़ाने में आया उतना ही मजा आप लोगों को सुनने में आए, उस तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई भी सजेशन सजाओ या फिर कोई गुस्सा हो आप लोगों की लेक्चर लंबा क्यों कर दिया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, तो मैं सोचूंगा कि आगे से चीजों को कंट्रोल करने की। बाकी मजे मजे में कई बार ज्यादा पढ़ा जाता हूं, तो मुझे पता है मेरे से कंट्रोल नहीं हो पाता है, वो मेरी आदत खराब है। ठीक है, तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसके अलावा जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिएगा, ठीक है, और संडे में अपना रिवीजन कर लीजिएगा, तो संडे में थोड़ी ज्यादा पढ़ लेना चाहिए नॉर्मली, तो संडे में बोलता हूँ कम पढ़ाई कर, चलिए कोई नहीं, संडे में ज्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, आज से नारा चेंज, संडे में हम लोग ज्यादा पढ़ा करेंगे। ओके, चलिए जो भी है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए, खुश रहना सीखो यार। ठीक है, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।